मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और भाई लोग, क्या हाल है? सब बढ़िया? वेरी गुड। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। आप सबकी मोहब्बत के लिए आपका ये भाई कैप्टन मोहम्मद तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। अब इसका मैंने चेक किया, पंप चेक किया, एरिस्टोन वगैरह चेक किया, सब कुछ किया, कुछ हुआ नहीं। तो घर में कूलर था, तो कूलर में से उसके मोटर निकाला मैंने, कूलर की मोटर, और उसको टैंक में सेटिंग करके ऐसे लगा दिया कि पानी, जैसे टैंक कूलर में क्या होता है, नीचे से पानी लेके ऊपर से छोड़ता है ना वो, तो उसको भी ऐसे लगा दिया कि नीचे से पानी लेता था और पानी जो है वो ऊपर से टैंक के अंदर गिरता था, मतलब 2 फीट के ऊपर से, 2.5 फीट के ऊपर से। तो उसकी वजह से भी जो है ना वो उसके ना डीओ ऐड हो रहा था हमारे टैंक के पानी में। इसके अलावा दूसरा काम क्या किया कि मार्केट में जो छोटे छोटे पंप थे, जो आते हैं ना 150 रुपये वाले अपने सूबो के या दूसरे कंपनी के, इसमें भी मैं ये कहूँगा कि मैंने 3 कंपनी का ट्राई किया हूँ, सबसे अच्छा सूबो का है। सूबो का जो पंप है वो सबसे अच्छा है, मतलब दूसरा उसका आधा भी नहीं है जो प्रेशर देता है और जो LPM डिलीवर करता है, दूसरे आधा भी नहीं है, लेकिन सूबो का जो मुझको मिला है वो सबसे बेहतर काम किया उसने। तो वो 5 पंप वो ले आया मैं, वो भी लगा दिया एरिस्टोन लगा के। और तीसरे एक काम ये किया कि जितने स्टोन लेटे हुए थे मेरे, एक तो होता है मतलब स्टोन डाल देते हैं ना, स्टोन लेट नीचे तय में जाके तो लेट जाएंगे, वो सिलेंड्रिकल होते हैं, तो उन सबको जो है वो रस्सी के सहारे से मैंने उन सबको खड़ा कर दिया कि चलो भाई लोग, सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग अटेंशन होना चाहिए, कोई सावधान चाहिए, सब अटेंशन चाहिए, सब अटेंशन हो जाओ, सबको खड़ा कर दिया। चौथा एक काम ये किया मैंने कि एक फाउंटेन टाइप का होता है जो पानी को तकरीबन 1.5 फुट तक फेंकता है, तो वो भी लगा दिया। उसका पाइप भी तकरीबन 2 फीट का था, तो 2 फीट वो और 3 फीट वो पानी, 1.5 फीट वो पानी फेंक रहा था। तो अब टोटल मतलब 3.5 फीट की ऊंचाई से पानी मेरा टैंक में गिर रहा था, तो जिसकी वजह से अच्छा खासा डीओ मेरा जो है वो हमारे टैंक के पानी में ऐड हो रहा था। तो ये सब कसरत करनी पड़ी है मुझको। खैर, बोलने का मतलब ये है कि किसी न किसी तरह हमने डीओ को हमने संभाल लिया और हम डीओ से जीत गए। अब ऐसा हुआ क्यों, अब वो बताता हूँ। क्योंकि कोई चीज़ हुई है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कोई चीज़ हुई है, बल्कि कोई चीज़ क्यों हुई है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब मेरे को इसका डायग्नोस करना था, क्योंकि अगर डायग्नोस ही ठीक से नहीं हुआ तो इलाज क्या खाक होएगा, डायग्नोस तो करना पड़ेगा ना, तो उसके हुआ क्यों, क्या चक्कर क्या है, जब हमारा पम्प इतना देर आया तो फिर ये डीओ मेंटेन क्यों नहीं हुआ। हाँ, तो असल में हो ये रहा था दोस्तों। कि जब मेरा पानी जिसमें ज़बरदस्त बैक्टीरिया कॉलोनी बनी हुई थी, और जब मैंने उसके ना प्रोबायोटिक वगैरह मोलासेस वगैरह मिलाया, तो बाद में वो जो बैक्टीरिया थे ना, वो सब एक्टिवेट होना शुरू हो गए। वो मतलब कि जो सो रहे थे जागना शुरू हो गए, आम जबान में। जैसे जैसे वो एक्टिव होते जा रहे थे, वो डीओ को उतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, और जितना ज़्यादा वो इस्तेमाल कर रहे थे पानी से डीओ उतना कम होता जा रहा था। और इसलिए जब मैं उसको लेवल पे लाता था तो वो और एक्टिवेट होकर और उसको और इस्तेमाल कर रहे थे, फिर कम हो जाता था, फिर मैं उसको लेकर आता था फिर कम हो जाता था। तो ये जब तक हुआ, तो ये जब तक कहानी चल रही थी, जब तक ये पूरी तरीके से मतलब नॉर्मल नहीं हो गए। तो खैर, ये कसरत मेरी 3-4 दिन तक चलती रही। और फिर एक्चुअली पहले दिन तो मैंने ना ये सब कसरत से पहले भी, जो पहला दिन था उसमें मैंने सिर्फ जग से पानी ऊपर से नीचे करके ना काम चलाया, मतलब जग से भी अगर हम पानी ऊपर से नीचे टैंक में डालेंगे तो अच्छा खासा जब पानी ऊपर से गिरेगा तो उसमें जो है वो ऑक्सीजन ऐड होगी आपके पानी में। तो पहले दिन तो मैंने इसी से काम चलाया था, जो मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा कसरत किया था पहले दिन, वो पहले दिन की कसरत ही थी। तो खैर, उसके बाद की कहानी तो आपको मालूम है क्या क्या हुआ। तो 4 दिन के बाद में डीओ 2 के आसपास रहने लगा, कभी और कभी मतलब ज़्यादा भी हो जाता था, खुद के ज़्यादा भी हो जाता था, 8 तक चला जाता था, और कभी जो है वो 2 के ऊपर आ जाता था। मतलब ये अब उसके बाद में ये ठीक ठाक चलने लगा था डीओ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और अभी फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी पिछले एक दो दिन से जो है डीओ फर्स्ट क्लास है, 4 और 6 के बीच में मेरे, जब भी चेक कर रहा हूँ 4 और 6 के बीच में आ रहा है। तो खैर, खेल रहा है 4 और 6 के बीच में, तो खेलने दीजिए बच्चे को, इसको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि किससे पाला पड़ा है डीओ कहीं का।
अरे बुरा मत मान मेरे भाई, आपकी हमको बहुत ज़रूरत है डीओ साहब। खैर डीओ के बारे में मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जब टेम्परेचर कम होगा तो डीओ का प्रॉब्लम कम होगा, यानी कि डीओ कम होने का टेंशन कम होगा। मैंने अपने एरिएशन वाले पार्ट में भी इसको बताया था कि कम टेम्परेचर में जब हमारा टेम्परेचर कम होता है तो उसमें पानी की डीओ को जज्ब करने की और उसको देर तक रोके रखने की क्षमता और ताकत बढ़ जाती है। फिर से बोलता हूँ, कम टेम्परेचर में हमारे पानी की क्षमता, हमारे पानी की ताकत डीओ को जज्ब करने की, मतलब डीओ को अपने अंदर में लेने की और उसको रोके रखने की, देर तक रोके रखने की ताकत बढ़ जाती है हमारे पानी की, और ऐसे वक्त में डीओ आराम से मेंटेन हो जाता है। पर गर्मी में या ज़्यादा टेम्परेचर में इसका उल्टा होता है, उस वक्त हमारे पानी की क्षमता और हमारे पानी की ताकत ये डीओ को अपने अंदर में जज्ब करने की, लेने की और उसको रोके रखने की ये कम हो जाती है। ऐसे वक्त में हमें ज़्यादा डीओ की ज़रूरत पड़ती है। मेरा टैंक चूँकि गैलरी में रखा है और इसमें सूरज की रोशनी भी आती है और अच्छी खासी आती है, सुबह होने से लेकर रोशनी आना शुरू होती है तो शाम तक रहती है, वेस्ट फेसिंग है तो ये तो आती ही आती है, बल्कि कई घंटे ऐसे भी गुजरते हैं जिसमें सीधे सूरज की किरणें सीधे टैंक में पड़ती है, मतलब टैंक के पानी की ओर सीधे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो जो टेम्परेचर को ज़्यादा करती हैं। और इसीलिए मेरा जो क्या कहते हैं जो एल्गी फॉर्मेशन हुआ था ना वो बहुत जल्दी हुआ था, एल्गी फॉर्मेशन शुरुआत में, क्योंकि एल्गी वगैरह अच्छी खासी आ गई थी फटाफट। ये इसलिए हुआ था क्योंकि अच्छी खासी सूरज की रोशनी इसके ना आ रही थी। और दूसरी और सबसे बड़ी वजह मेरे डीओ कम होने की ये है कि मेरे जो बैक्टीरियाज हैं वो मेरे टैंक में ट्रक भर भर के आ गए थे, जिनके आधे की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर वो पानी अगर वो अपनी सही मकदार में होते, मतलब इतने जितने हैं ना उसका अगर आधे भी होते तो इतने सब सर्कस करने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाँ, मैं अभी एरिएशन के पार्ट की बात किया तो याद आया कि मेरा जो एरिएशन वाला पार्ट है ना वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी उसमें कुछ चीज़ें और ऐड होना बाकी हैं। एरिएशन बायोफ्लॉक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ ऐसी होना अभी आना बाकी है आपके सामने कि जिसको अप्लाई करके हम कम वाटर एक्सचेंज के साथ बेहतर प्रोडक्शन पा सकते हैं। एरिएशन जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है बायोफ्लॉक में। आपके कैप्टन भाई ने 3 मरतबा बहुत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसको याद रखिए। फिर से बोल रहा हूँ, एरिएशन का जो चक्कर है वो हमारे बायोफ्लॉक में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इस पर काफ़ी ध्यान भी देना है और इसको काफ़ी मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा तवज्जो का ये तवज्जो चाहता है। यार थक गया हूँ यार। खैर असल में मैं जो है ना वो सारा कुछ है ना एक साथ ही रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ ऑडियो और फिर इसी को काट काट के आपके वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो पूरा एक साथ मैं डाल दूँ 40 मिनट का 50 मिनट का तो मज़ा नहीं आएगा वो, तो इसलिए फिर उसको छोटे छोटे करके जो है उसको सेटिंग करके डालना पड़ती है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग पूरी साथ में होती है। तो इसकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मैं इस वक्त देख रहा हूँ तकरीबन 41 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। खैर तो हाँ, तो अब सवाल ये था कि इतने बैक्टीरिया हमारे पास ट्रक भर भर के आए कैसे। इसकी वजह यह है कि हमारे कॉकटेल वाला प्रोबायोटिक बहुत ज़बरदस्त है, वो बहुत ज़बरदस्त है, जो कॉकटेल वाला प्रोबायोटिक हमने बनाया है ना वो एकदम अच्छे ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। जो लोग अब तक उसको गलत बोल रहे थे उनको बोलना चाहूँगा, ख़ास तौर पर क्या नाम था उनका, केपी सिंघम, खैर जो भी था, तो केपी सिंघम साहब या पता नहीं आपका जो भी नाम है, कि पहले मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि पहले मैं ये कहता था कि ये आज़माया हुआ प्रोबायोटिक है, पर अब मैं ये कहूँगा कि ये मेरा आज़माया हुआ प्रोबायोटिक है और बहुत ज़बरदस्त काम करता है हमारी सोच से भी ज़्यादा। तो दोस्तों अपने केस में हुआ ये कि जब हमने अपने पानी में फीड मिलाया था जिसमें सिर्फ एक कतरा ही प्रोबायोटिक मिलाया था जो कि कम से कम ही मकदार बनती है, बस वो एक कतरा ही बड़ा हो गया, मतलब शायद कुछ बड़ा ही कतरा ले लिया मैंने। मैंने भी लाइटली लिया कि चलो एक ही कतरा है क्या होएगा, अरे लेकिन मुझे क्या पता था कि ये एक कतरा इतनी उधम मचाने वाला है। अगर उस एक कतरे की मकदार आधी होती तो भी हमारा काम हो जाता और जितने बैक्टीरिया हमें चाहिए थे वो सब आधे कतरे से भी हमारा काम आराम से चल जाता था
और हाँ, पानी का कलर बताना मैं भूल गया, देखो फिर से बीच में एक चीज़ याद आ गई तो बताता चलो। पानी का कलर शुरू में जो है वो लाइट ग्रीन था, उसके बाद में जो है वो ऐसा हो गया कि एक साइड से लाइट ग्रीन दिखता था, एक साइड से लाइट ब्राउन दिखता था, और उसके भी बाद में ये चेंज होकर लाइट लाइट ब्राउन हो गया, और जो शुरू से है तो वो अभी तक जो है वो वही लाइट ब्राउन ही चल रहा है अभी तक। तो खैर ये कलर का बता दिया, याद आ गया, तो ऐसे ही है भाई, दिमाग चल रहा है। हाँ तो दोस्तों ये थी एक्चुअली ये थी हमारी कहानी कि पानी के स्टेजेस क्या क्या हुए हैं। तो जब आप वो कतरा मिलाएंगे तो ख्याल रखना कि मिकदार कम हो, नहीं तो आपको भी सर्कस करना पड़ सकता है भाई लोग। खैर एक्चुअली गलती कतरे की नहीं है, बल्कि मेरे पानी की मिकदार ही बहुत कम है, सिर्फ 500 लीटर है। अगर ये 1000 लीटर होता तो फिर वो एक कतरा सही था, तो वो हिसाब से पानी कम होने की वजह से वो आधा कतरा जो है वो एक कतरा भारी पड़ गया। तो अब आप भी जो है वो कतरा मिलाइए, फीड मिलाइए और पानी में डालिए, और फिर देखिए कमाल, हमारे कॉकटेल प्रोबायोटिक की धमाल। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ तक तो बता दिया, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और अब हमारी पिक्चर में एंट्री होती है मछलियों की। यस, जब हमारे पानी में मलाई और घी वाला अमल हो चुका, और वो सब होने के बाद में पानी फिर से अपनी नॉर्मल हो गया, मतलब उसमें एकदम हल्की सी चिकनाहट रह गई और थिकनेस भी एकदम कम हो गया, और तो बस कहीं कहीं पर जो है वो मलाई और घी कहीं कहीं और ही नज़र आ रहा था। तो जब ये हो गया तो जब ये हमारा पानी नॉर्मल हो गया और अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बायोफ्लॉक का इसी सीरीज़ में इंट्रो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप बायोफ्लॉक को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा, जब भी वीडियो पर कोई इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको भी मिल जाएगी। अगर कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिए। हेल्थी सजेशंस ऑलवेज वेलकम, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खुश रहिए और जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए। ये फ्री इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी भाई के काम आ सकती है, इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद करिए, और हाँ किसी बहन को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्या पता किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।